22 जनवरी मार्ग पौष मास की शुक्ल पष्टी द्वादशी को 22 जनवरी 2024 को अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है, उसकी भी करो तैयारी मेरे प्यारे। अब अयोध्या हमारी सबसे दुनिया में न्यारी, वो हमको दिखाई देगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। इतना कह के देता हूँ विराम। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत प्रिय भगवान एवं हमारे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी के सानिध्य में लेकर हम पूरे हरियाणा में और पूरे भारत में एक अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं, जो पंचसूत्रीय हमारा कार्यक्रम है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि नशा मुक्ति। और मैं कहीं भी किसी गांव में या कहीं भी कार्यक्रम करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि युवा हूँ और महिला हूँ, उसमें ये कहती हूँ कि आप जो भी परिवार है नशे से बर्बाद होने से बचिए। और जागरूक जिस तरह से आपकी बेटी आपकी बहन एक महिला होते हुए जागरूकता का अभियान चलाए हुए है, आप भी सनातन धर्म को और जो हमारा अब राम मंदिर बनने जा रहा है उसमें हम पीले चावल घरों घरों तक पहुंचा रहे हैं लोगों को कि आप राम मंदिर जो हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, दिवाली दोबारा बनने जा रही है, तो आप उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए ताकि हमारे जो समाज है हमारा भारत हमारा हरियाणा इसमें हम एक नई दिशा की ओर इसको लेकर जाएं। और हर युवा यहाँ पर चहकता हुआ दिखे, हर पंछी यहाँ पर चहकता हुआ दिखे, हर युवा के चेहरे पर एक अलग से नूर और हम एक अलग समाज की नींव रखें। जैसे उन्होंने कहा कि स्वर्ग में जाने की बात होती है, स्वर्ग यहीं पर बनाए, उसको आप किस तरह से लेते हैं? स्वामी जी ने कहा कि स्वर्ग हमारा माता पिता के चरणों में, माता पिता के मातृ पितृ वंदन को लेकर अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं और दूसरों को भी इस चीज से प्रेरणा मिलती है तो इससे बड़ा स्वर्ग में कहती हूँ कि कहीं। तो आपको लगता है इस तरह के आयोजन से समाज में कहीं ना कहीं अच्छी बात आई और जो आप लोग यहाँ से ज्ञान दे रहे हो कहीं ना कहीं अपने उसमें जीवन में धारण करेंगे? हांसी मेरी जन्मभूमि है और मैं हमेशा कहती हूँ कि हांसी की इस जन्मभूमि पर मैं कर्म करने के लिए आई हूँ और जो हांसी है हमारा इसको मैं हरियाणा के मानचित्र में एक अलग रूप में। उनके पीठ थपथपाऊंगा आशीर्वाद देंगे लेकिन स्वामी धर्मदेव चुनाव नहीं लड़े। भारतीय जनता पार्टी स्वामी रामदेव को कहीं से लड़वाना चाहे तो स्वामी जी तैयार रहेंगे? अब उनकी इच्छा पर है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन नहीं, मैंने अपना मना किया है, मुझे इच्छा रही तो आपको लड़वाने की? नहीं, मैं मना कर चुका हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं कह चुका हूँ कि अच्छे लोगों को आशीर्वाद जरूर देंगे। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि मैं पार्टीबाजी से ऊपर उठ के बात करता हूँ, जितनी पार्टियां हैं वो अच्छे लोगों को लाएं तो अच्छे लोगों को हमने आशीर्वाद देना है, देश को अच्छे लोग मिले ये हमारी चाहत है। ये अब मुझे नहीं पता गायत्री देवी की भावना क्या, इच्छा क्या है। हमारे यहाँ आदरणीय वर्तमान विधायक भ्याना जी हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। ये तो आने वाले समय में भैया इन लोगों की इच्छा है, पार्टियों की इच्छा है, वो किसको आगे करेंगे। मैं कोई चुनाव के लिए इनको आशीर्वाद देने नहीं आया आज यहाँ, कि इनको इसलिए आया हूं कि भाई गायत्री को मैंने चुनाव के लिए आशीर्वाद देना है, गायत्री जी की पीठ थपथपाने आया हूं। अच्छे संकल्प है, अच्छे भाव है, युवा वर्ग में रहकर के युवाओं को प्रेरणा दे रही है। और आज राष्ट्रीय सनातन महासंघ जो गैर राजनीतिक संगठन हमारा है और इस कार्यक्रम को इन्होंने आयोजित किया है, तो इन आयोजकों को इनके साथियों को सहयोगियों को मेरा बहुत तो साधुवाद है, मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे मेरे प्यारे हर कोई अपने अपने मेहनत करेगा, ये कोई मेरा विषय नहीं है बाबू, तो परमात्मा कृपा करे, वो तो प्रजा ने देखना है, लोगों ने देखना है कि किसको लाना है किसको जिताना है। गायत्री देवी जी चुनाव लड़ना अगर चाहेंगी तो इनकी टिकट के लिए पैरवी करेंगे आप? ऐसे है मेरे से ना ये चीजें ना कहो, मेरा कोई ये काम नहीं है कि किसी की मैं टिकट की पैरवी करूं, किसी को चुनाव लड़वाऊं। हां मैंने कह दिया है कि वो काम पार्टियों का होता है, वो पार्टी ने देखा। आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो, क्योंकि मैं इनके जीवन को देख चुका हूँ, अच्छे भाव है, अच्छा स्वभाव है, और ऐसे लोग अगर आगे आते हैं तो स्वामी धर्मदेव तो भैया आशीर्वाद देगा। गांधी जी आप क्या कहेंगे? नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उसी परम पिता परमात्मा की, दूत बनकर के धरा पार आए, धरा को धाम बनाया, जिन्होंने भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा मेरे भारत की अगर प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है, पूरी दुनिया में है, या तो देव भाषा संस्कृत की वजह से है या मेरे भारत की संस्कृति की वजह से है।
ऐसे प्यारे संकल्प को लेकर के दुनिया के भारत के कोने कोने में पहुंच करके प्रचार और प्रसार करने वाले मेरे परम गुरुदेव, मेरे श्री गुरुदेव, उनके श्री चरणों का वंदन अभिनंदन करता हूं। आज महती प्रसन्नता का विषय कि हमारे भारत देश का हरियाणा प्रदेश और हरियाणा प्रदेश का प्यारा प्यारा सा ऐतिहासिक नगर ये हांसी, और हांसी के शगुन पैलेस में, शगुन तो शगुन ही होता है वैसे, ये नाम भी मुझे लगता है सार्थक होने वाला है। जिस संकल्प को लेकर के आप हम सब लोग चले हैं, और हांसी में आज शगुन पैलेस में राष्ट्रीय सनातन महासंघ का ये कार्यक्रम, जिसके सूत्रधार ये जुगल जोड़ी सरकार, ये प्यारी सी जोड़ी जिसको जीवन में कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा, आदर और सम्मान के योग्य मातृशक्ति के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उस सर्वशक्तिमान मेरे भगवान की साक्षात देवलोक से देवी मानव धरती पर उतर करके आई हूं, ऐसे हमारी आदरणीय गायत्री जी, इनके जीवन साथी, मेरे प्रेमास्पद स्नेहास्पद, जिनको मैंने सर्वप्रथम हिसार में देखा, मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं, गौतम सरदाना वहां मेयर है। मैंने बाद में उनको फोन करके कहा, मैंने कहा गौतम एक मैंने आज नूरानी चेहरा देखा वहां, जरा पता करो वो कौन है। फिर उन्होंने मुझे बताया स्वामी जी वो बलजीत है, बलजीत यादव। मैंने कहा उस व्यक्ति को जोड़ो, मुझे उसके माथे की लकीरों से लगता है कोई व्यक्तित्व तो है। परमपिता परमात्मा कैसी कृपा हुई कि ऐसा प्यारा प्यारा नौनिहाल नौजवान बलजीत यादव वो जुड़े, और बहुत लंबा समय नहीं हुआ, 13 नवंबर अभी 2 महीने हुए, 13 नवंबर को तो मैंने राष्ट्रीय सनातन महासंघ की स्थापना की है, और 3 दिसंबर को 20 दिन के बाद मैंने पहला प्रोग्राम उसका क्या हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय परिसर में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान श्री मनोहरलाल खट्टर भी उपस्थित हुए उसमें, और आज एक तरह से मान के चलो ये दूसरा कार्यक्रम है हिसार में, उसके बाद हिसार क्षेत्र का यहां से, और आज के कार्यक्रम को मैं जो इसकी सफलता देख रहा हूं, यहां की युवा शक्ति में उत्साह देख रहा हूं, इनकी ऊर्जा देख रहा हूं, इनका लगाव देख रहा हूं, इनका भाव देख रहा हूं, आपके चमकते हुए चेहरों से पता चल रहा है आपकी भावनाओं का, अपने आप में आज ही प्रारंभ में ही मान के चल रहा हूं, अपनी बात को शुरू करूंगा अभी, ये तो भूमिका में कह रहा हूं कि कार्यक्रम तो सफल मुझे नजर आ गया जब आप लोगों के ऐसे मन के उल्लास को मैंने देखा, और इसके पीछे अगर सबसे बड़ी शख्सियत कोई काम कर रहे हैं तो ये जुगल जोड़ी है गायत्री जी बलजीत जी, आपको साधुवाद है, मेरा आपको धन्यवाद है, आपकी भावनाएं निश्चित रूप से स्तुत्य है, सराहनीय है, परमात्मा आप पर कृपा बनाए रखे। आज आपके सौजन्य से आयोजित हांसी में ये बहुत सुंदर दिव्य भव्य कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम की गरिमा आभा आप सब लोग बने हैं, बड़ी प्रसन्नता से मैं देख रहा हूँ। मेरा पटौदी में है, यानी जैसे वहाँ साधना होती है तो इसमें साधना करता हूँ, नाम जप होता है, हवन यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, रुद्राभिषेक होता है, स्तुति पाठ होते हैं, और उनका फल फिर मैं राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित करता हूँ, ये कल्पवास होता है। ऐसे मेरे प्यारे राजनीति में जहाँ तक धर्म का महत्व है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि बिना धर्म के कोई भी कार्य चल नहीं सकता, हर कार्य में धर्म होना चाहिए, और हर कार्य में जब धर्म होगा वो प्रबल होगा और सुदृढ़ होगा, लंबे समय तक चलने वाला होगा। जहां तक राजनीति में धर्म की बात है, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए। जहां तक राजनीति की बात है, मैं राजनेताओं से भी कई बार एक सवाल पूछना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं, जो आज अपने आप को राजनेता कहते हैं, जो कुछ लोग, सारे तो मैं नहीं कह सकता, कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग ऐसे जो अपने आप को राजनेता कहते हैं, उनसे कहता हूं राजनीति का अर्थ बता दो, राजनीति के मायने बताओ, मेरे राष्ट्र की नीति, देश की नीति, जिसको आपने अनीति में बदला है, जो बदनाम हो गई है, लोग इससे घृणा करने
लग गए हैं, आज वर्तमान समय में उसका कुछ सम्मान बढ़ने लगा है। जब योगी जी, मोदी जी, खट्टर जी, ऐसे ऐसे आदरणीय लोग आए हैं, राजनीति का, राजनेताओं का सम्मान बढ़ने लगा है, और उसके अंदर जब तक धर्म का समावेश नहीं होगा, धर्म क्या होता है, जो हर चीज को अपनी अच्छी तरह से आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है, उसको चलाने की प्रेरणा देता है, वो धर्म कहलाता है। और राजनीति भी तभी ढंग से चल सकती है जब इसके अंदर धर्म का समावेश होगा। स्वामी जी, आज की राजनीति में कितना धर्म मानते हैं आप? ऐसे मेरे प्यारे, वर्तमान समय में उसका प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। पहले तो इसको धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कह करके, जिसके मायने लोगों को आए नहीं। धर्म निरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता कि धर्म से रहित हो। कई लोगों ने कहा कि नहीं, धर्म नहीं होना चाहिए, वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होता है। पर हम कहते हैं धर्म सापेक्ष होना चाहिए, धर्म से युक्त होना चाहिए। वर्तमान समय में बहुत बड़ा परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है। देश का सम्मान, मेरे बहुत प्रबुद्ध पत्रकार बंधु यहाँ पर, बहुत आदरणीय मैं देख रहा हूँ आपके नूरानी चेहरों को, ऐसे प्यारे प्यारे आप लोग हो। आज मेरे देश का पत्रकार समूह भी वो भी इस बात को समझ रहा है कि वर्तमान समय में ऐसी शक्तियां मेरे देश को प्राप्त हो चुकी हैं जो धर्म को साथ लेकर के राजनीति में चल रहे हैं, मेरे राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। आज दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है, राजनेताओं का भी सम्मान बढ़ना प्रारंभ हो गया है। आज राजनेताओं को लोग सुनना चाहते हैं। नहीं तो एक समय था कि राजनेताओं से लोग घृणा करते थे, उसमें जाते नहीं थे, बल्कि कुछ लोग ले जाते थे, पैसे देकर के लोगों को ले जाना पड़ता था उनकी बातें सुनवाने के लिए। लेकिन आज हमने देखा है कि विदेशों में बल्कि टिकट लेते हैं लोग कि हम ऐसे नेताओं को सुनना चाहते हैं। वो नेता कौन है जो धर्म को साथ लेकर के चल रहे ऐसे? मेरे प्यारे, हिंदू धर्म के मायने क्या है मैं वो भी कहना चाहता हूँ। हिंदू धर्म वो धर्म है, ये सनातन धर्म वो धर्म है जो किसी का निरादर नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता। और यहाँ तक कि अब्दुल कलाम तुम्हें हमारा सलाम, जिसके अंदर अच्छी भावना हो, अच्छी भावना नहीं, अच्छी भावना भरने का प्रयास करता है। आज अगर एक लाइन में मुझसे सुनना चाहते हो तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात जो आपने भी कही कि इससे कहीं नुकसान तो नहीं होगा, मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, केवल मनुष्य नहीं किसी के भी गर्दन पर जब छुरी ना चले उसका नाम सनातन धर्म और हिंदू धर्म है। यानी इससे मान सकते हो कि हर जीव जहां पर सुरक्षित रहे और मानव तो सुरक्षित रहेगा। आज मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो हिंदू धर्म सनातन धर्म सामने आए और ये अनर्गल प्रलाप करते हैं या प्रचार करते हैं कि हिंदू धर्म आएगा तो बाकियों का क्या होगा, बाकियों का भी सबसे ज्यादा सम्मान जिसके अंदर होने वाला है वो हिंदू धर्म है, वो सनातन धर्म है। इसलिए उसको बढ़ावा मिलना चाहिए जिसमें सभी सुरक्षित होंगे, सभी संरक्षित होंगे। सभी संत कहते थे रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज वो मूर्त रूप लेने जा रहा है, तो इस पर आप क्या विचार? ऐसे मेरे प्यारे, संत तो हमेशा कहते आए हैं प्रारंभ से। मेरे भारत के बहुत सारे आस्तिक लोगों ने भी कहा कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कुछ लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, ये लोग तारीख नहीं बता रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया, तारीख भी बता दी गई है, नींव रखी गई है वहां पर, और उसके बाद अब 22 जनवरी आ रही है, रामलला आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इसको केवल, हां एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, इसको केवल हिंदुओं से जोड़ के ना देखा जाए, इसको राष्ट्र से जोड़ करके देखा जाए। क्योंकि एक राम ऐसे थे जिन्होंने हर जाति वर्ग का सम्मान किया, प्राणी मात्र का सम्मान किया। आज वो रामलला जब आएंगे, रामलला सारी मानव जाति के लिए प्रेरणा होंगे, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा होंगे। आज बहुत सारे लोग इस चीज का सबक लें, हिंदू हो या मुसलमान या फिर 36 बिरादरी हो, वो रामलला का करें सम्मान, क्योंकि रामलला सबको जीवन देने वाले हैं, सबको जीवन पद्धति देने वाले हैं। आज वही रामलला 22 जनवरी को स्थापित होने वाले हैं, जो पूरे राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र मंदिर बन रहा है, मानवता को प्रेरणा देने वाला बन रहा है। इसलिए सारे जनमानस को आज नतमस्तक होकर के उनको सलाम और प्रणाम करना चाहिए। हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, सबको अपने यहाँ दिए जलाने चाहिए और खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि सबके लिए प्रेरणा देने वाले प्रभु राम है, जिसमें किसी का भी अहित नहीं होगा, सबके जीवन की रक्षा की बात कही जाएगी। वही तो रामलला है, वही तो राम मंदिर है, इसलिए उसका कहीं भी विरोध होना नहीं चाहिए। गायत्री देवी यादव की जिंदाबाद। ऐसे मेरे प्यारे, जो अच्छे काम करेगा हर व्यक्ति के जिंदाबाद के नारे लगेंगे, और ये नारे लगते रहने चाहिए। जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, कल्याण के लिए बढ़िया काम करेगा उसी के तो जिंदाबाद के नारे लगेंगे। आज हमारी गायत्री अच्छे संकल्पों को लेकर चल रही है तो जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे तो क्या लगेंगे मेरे? तो चुनाव लड़ना चाहती है? ऐसे मेरे प्यारे, चुनाव को लड़े तो कोई बुरी बात थोड़ी ना। मुझे बताओ कि लोकतांत्रिक मेरा भारत देश है, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में होता क्या है? या लोग चुनाव लड़ते भी हैं, और बल्कि स्वामी धर्मदेव तो कहना चाहता है कि अच्छे लोग अगर आते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्वहन करते हैं, जिसमें बुराई
ही नहीं है, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। ऐसे मेरे प्यारे में उनसे भी कहना चाहता हूँ, खासतौर पर बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मोबाइल से ज्यादा प्रयोग करने से बचें। ये जरूरत की चीज है, आवश्यक चीज है। हाथ में मोबाइल रखो, चेहरे पर स्माइल रखो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो जरूरी चीज हो उतना इसको इस्तेमाल करें। लेकिन इसके अंदर पबजी है, दूसरे खेल है, दूसरे गेम है, उसके अंदर ज्यादा खो जाना ये घातक है। उसके लिए भी हमारा संकल्प रहेगा, मैं ये बता दूं कि हमारा राष्ट्रीय सनातन महासंघ ये भी पीड़ा एक अभियान चलाएगा कि बच्चों से कम इस्तेमाल मोबाइल को करने की प्रेरणा देते हुए संकल्प दिलवाएगा कम इस्तेमाल करना चाहिए।